क्वेश्चन खोल लिया तेरे? हाँ, हाँ वासु खोल लिया। तो इसमें क्या है, एन आर्चर्स है हमारी, मतलब है वो तीर तीर चलाते हैं जो, तो उनके एन आर्चर्स हैं और वो वन से स्टार्ट हो रही है। तो जो आई नंबर पे आर्चर है, तो वो जैसे इसमें सैंपल इनपुट में है, जैसे टू नंबर पे आर्चर है ना, जो आर्चर का नंबर दे दिया टू, तो वो आर्चर क्या करेगा, वो आर्चर टारगेट शूट करेगा टू पे और टू के मल्टीपल्स पे, टू से स्टार्ट करेगा और फिर करेगा 2, 4, 6, 8, 10। एक्सप्लेनेशन में देख, हमें ये एक्सप्लेनेशन से अच्छा समझ में आएगा। तो टू पे है ना जो टारगेट, टू पे आर्चर है तो वो शूट करेगी टू पे, फोर पे, सिक्स पे, टू इंटू एन पे, और एन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और एन वन से स्टार्ट है। और जो थ्री पे आर्चर है वो शूट करेगा थ्री पे, सिक्स पे, नाइन पे, ऐसे ही थ्री के मल्टीपल्स पे, और जो भी होगा जैसे एन है तो एन के मल्टीपल्स पे शूट करेगा, जैसे एन टू, एन थ्री, एन फोर है। तो हमें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऐसा क्या है जो सारे आर्चर उस पर हिट करें, जैसे टू, थ्री, फोर है, तो इसमें कौन सा नंबर होगा जिस पे शूट करेंगे। अच्छा तो टू करेगा 12 पे, थ्री भी करेगा 12 पे और फोर भी करेगा 12 पे, तो इसमें स्मॉलेस्ट टारगेट आ गया 12। तो मैं ये इसका बताना है, हाँ तो इसमें कंस्ट्रेंट तो सारे छोटे छोटे हैं, 5, 15, 48, तो इसमें इंटीजर भी ले सकते हैं, हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें देख, नीचे देख, ठीक है। हमें इसका मल्टीपल निकालना, तो ये ज़्यादा कुछ भी नहीं देख, इसका सभी का तू एलसीएम निकालेगा, तो टू का, थ्री का, फोर का, वो हमेशा 12 ही देगा, क्योंकि उसी से एलसीएम ही तो ये, और क्या है मल्टीपल इसका, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो हम इस कोड में आने से था, कोडिंग में हाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। हाँ कोड खोलने, तो पहले इंट मेन में क्या लिया, पहले टी टी ले लिया, लिया पहले टी एन वन डिफाइन कर दिया कि हमें ये इंटीजर है, और फिर पहले हमने टी वाइल टी माइनस माइनस टेस्ट केस ले लिया टी, और फिर सीन करवा लिया एन, और हमने अरे बना ली ए एन, और अरे में स्टोर कर लिया कि ये जो नंबर दिए थे कि आर्चर कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं, एन डिफाइन कर रहा है कितनी आर्चर है, और अरे ऑफ एन डिफाइन कर रहा है कि वो आर्चर कौन सी पोजिशन पे खड़े हैं। तो एक बेस कंडीशन भी लगा दी, अगर एन वन है अच्छा कि एक ही आंसर है, तो वो तो उसके उसी नंबर पे शूट करेगी जिस पे वो खड़ी है, स्मॉलेस्ट नंबर, और अगर एन से बड़ा है आंसर तो हम उसका एलसीएम हाँ लेंगे। तो 1 मिनट, जैम बोर्ड पे आ जाओ, एलसीएम बता दो। तो एलसीएम एक नंबर का क्या है, एल सी एम ऑफ ए एंड बी, इज इक्वल टू ए इंटू बी बाय में जी सी डी ऑफ ए इंटू बी, जी सी डी भी ऑफ ए कोमा बी। और यूक्लिडियन थ्योरम का तो पता होगा, वो जी सी डी निकालने के लिए शॉर्ट शॉर्ट में जी सी डी ऑफ ए कोमा बी, हाँ बी मॉडुलस ए कोमा ए ले लेते हैं उसको, वो रिकर्शन से फिर अपने आप को सॉल्व कर देगी। तो लाइन नंबर 37 में हाँ हमने एक एलसीएम ले लिया, और एलसीएम ले लिया हमने अरे ऑफ 0 और 1 का। देख इसमें एलसीएम अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, जीसीडी ऑफ अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, और फिर हमने ये लूप लगा दिया कि जैसे यार थर्ड सेकेंड इंडेक्स पे है जो, तो हम ये भी कर सकते हैं जैसे 2, 3 क्वेश्चन में आएगा, जैसे टू हाँ थ्री, टू थ्री एंड फोर था, तो हम पहले टू और थ्री का एलसीएम ले लेंगे, है टू और थ्री का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा सिक्स, टू अच्छा और थ्री का, और फिर सिक्स और फोर का लेंगे तो वो ट्वेल्व हाँ आएगा। तो हम ऐसे ही एक एक करके सारे अरे के एलिमेंट का हाँ ले रहे हैं। मल्टीपल डिवाइस ले रहे हैं ठीक है। हाँ, फिर फोर लूप से सारे का एलसीएम ले लिया और फिर एंड में एलसीएम रिटर्न कर दिया लाइन नंबर 47। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, फिर क्वेश्चन भी अच्छा सॉल्व किए।